नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ आप स्वयं देख सकते हैं जो है कि बिजली निगमों में जो है निदेशक के 12 पदों पर नियुक्तियां जल्द होंगी। जो है पावर कॉरपोरेशन समेत जो बिजली विभाग के अंतर्गत जो है रिक्त पदों पर जो है निकट भविष्य में खाली होने वाले पद में 12 पदों पर नियुक्तियां जल्द होने जा रही हैं इसमें निदेशक के लिए। और इसमें आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि ऊर्जा विभाग ने पावर कॉरपोरेशन को दिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश। मतलब क्या, बिजली विभाग के अंतर्गत जो है विज्ञापन जारी करने के लिए इन्होंने निर्देश दे दिए गए हैं। ये देख लीजिए लिखा हुआ है इसमें, पावर कॉरपोरेशन समेत जो है विभिन्न बिजली निगमों में रिक्त और निकट भविष्य में होने वाले जो निदेशक के 12 पदों पर जो है नियुक्तियों की जल्द की जाएगी। मतलब क्या है कि शासन ने जो है पावर कॉरपोरेशन को इन पदों पर भरने के लिए इन्होंने विज्ञापन जल्द से जल्द घोषित किया जाए। लिखा हुआ है इसमें, जो बिजली निगमों में जो है लंबे समय से रिक्त चल रहे पद में जो है 20 में से 16 पद ही हैं, इसमें जो निदेशक के पद खाली हो चुके हैं। आप भी इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इतने इतने पदों पर भर्ती होने जा रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेरिट के अभ्यर्थी जो है 20 को जमा करेंगे प्रपत्र। ये जो है अर्थशास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया का कार्यक्रम जारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर करें इसमें जो है कराई थी परीक्षा। मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है परीक्षा कराई गई थी, तो उसके अंतर्गत जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए राजकीय जो विद्यालय होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उसके अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। अब इसके अंतर्गत आपको जो है सरकार ने बोला था कि हम जो है चपरासी भर्ती और जो है बाऊ भर्ती हम करने जा रहे हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इसमें हो चुकी है, अब उसका विज्ञापन भी जो आपको 15 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, जो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में जो है TGT PGT के जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद पर जो है विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थी निराश हैं। मतलब क्या है, इसमें जो है TGT PGT का विज्ञापन जारी हो चुका है, बस केवल जो प्रधानाचार्य भर्ती का भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती अब जो है लिखित परीक्षा कराने का जो है प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया, जिस पर अभी निर्णय बाकी है। क्या मतलब क्या, प्रधानाचार्य भर्ती जो है प्रिंसिपल भर्ती भी इसके अंतर्गत बहुत जल्द आने वाली है। और इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जो है BEd प्रवेश परीक्षा के लिए जो है 1538 केंद्रों पर बनाए गए। मतलब क्या, BEd का जो एंट्रेंस होने जा रहा है और वो जो एंट्रेंस जो है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय BEd प्रवेश परीक्षा के लिए 538 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें से जिनमें से जो है 500 की क्षमता वाले जो है वो 200 केंद्र हैं। लिखा हुआ है कि जिनमें से 500 की क्षमता वाले जो हैं वो 1200 केंद्र व 300 विद्यार्थियों की संख्या वाले 338 केंद्र बनाए गए हैं और विश्वविद्यालय रविवार को इन केंद्रों पर सार्वजनिक करेगा और इसमें जो है परीक्षा केंद्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। कहने मतलब क्या, वेबसाइट पर इनको अपलोड कर देंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, जो राज्य विश्वविद्यालय के पास जो होगा कॉलेजों के सभी छात्रों का लेखा जोखा। मतलब क्या, कॉलेज के जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो मतलब राज्य होते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसमें जो है जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसका लेखा जोखा जो सरकार के पास रहेगा। संगठित कॉलेजों में दाखिला होते ही राज्य विश्वविद्यालय में पंजीकृत हो जाएंगे छात्र छात्राएं। और इसमें लिखा हुआ है जो PG में प्रवेश के लिए जो है पहले दिन 252 आवेदन जो आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, जो है कि RRB मतलब क्या, रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत जो है डाउनलोड होने लगे हैं प्रवेश पत्र और अभ्यर्थियों के लिए जो है एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। RRB प्रयागराज के जो है 9 शहरों में जो है बनाए गए 32 परीक्षा केंद्र। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्निकल, इसके अंदर नॉन टेक्निकल के जो है NTPC के लिए 2, 3, और 5 जो है भर्तियाँ इसमें होंगी। क्या मतलब क्या, इसमें कैटेगरी वाइज जो है भर्तियाँ हैं और इसमें जो है डाउनलोड होने लगे प्रवेश पत्र। आप अगर इसके अंतर्गत RRB के अंतर्गत आपने यदि कोई फॉर्म डाला है तो आप जो है इसके अंतर्गत इसको जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो 32 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं RRB के प्रयागराज के 9 शहरों में जो है, इसमें आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत भर्ती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों को जो है जो अभ्यर्थियों के जो है 15 से 17 जून के बीच मध्य में होने वाली परीक्षा शनिवार को प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। RRB का दावा है कि अभ्यर्थियों का कोई भी दिक्कत ना हो इस वजह से जो है RRB प्रयागराज के अधीन जो है CBT 1 के सफल विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र अधिकतम 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए। आगे देखते हैं इसमें लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग से खबर आ रही है। इसमें जो लोक सेवा आयोग में बढ़ी पदों की संख्या, परीक्षा आज है, इसके अंतर्गत जो नायब तहसीलदार और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर के जो है 50-50 पद बढ़ा दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश भर में जो 6 लाख 3
3563 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और बवाल वाले क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ी चिंता है। कहना मतलब कि आपने देखा होगा कि कानपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, बरेली है, यहाँ पर जो है उपद्रव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, तो उसको देखते हुए जो परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है, साथ में जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन का पहरा बहुत अधिक कर दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि इसमें जो है दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। इसमें क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित माध्यमिक स्कूलों में जो है इसका 10th और 12th का रिजल्ट जो है वो दूसरे सप्ताह में आ सकता है इसी में। अब बात करते हैं HDFC जो बैंक है उसमें PO के 1450 पद हैं और इसके अंदर MTS कहते हैं जो 4th क्लास की, जिसके अंदर चौकीदार है, गार्ड है, सफाई कर्मचारी है, प्योन है, इस भर्ती में 2270 पद हैं इसके अंतर्गत जो है। बाकी आप देख सकते हैं ये भर्तियां जो HDFC बैंक में निकली हैं 12780 पदों पर। इसमें 12th क्लास मांगा गया और ग्रेजुएट मांगा गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप जो है फॉर्म चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा लिखा हुआ। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब क्या केवल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और कुछ नहीं होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से आप जो है यहाँ से इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं जो है 30 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं जो वो सर्दी जुखाम के 60 मरीज जो है डॉक्टर के कहने पर भी नहीं करा रहे कोरोना जांच और हर पांचवां मरीज बुखार से ग्रसित है और लखनऊ में जो है कोरोना बम बने जांच से भागे संदिग्ध। इसमें क्या आपने देखा होगा कोरोना की लहर आ चुकी है और इसमें लिखा हुआ नहीं रुक रही है लापरवाही, मतलब 200 मरीजों को रोज़ कोरोना की जाँच के लिए जो है सलाह दी जा रही है और 80 के मरीज जो है वो डॉक्टर के कहने पर करवा रहे हैं जाँच। इसके अंतर्गत क्या है लखनऊ में 3 माह बाद जो है 52 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इसमें जो है कम से कम 52 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। TGT PGT जो है 22,000 पदों पर विज्ञापन की मांग कर रहे थे और धरना प्रदर्शन भी हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि TGT PGT में कम पदों पर विज्ञापन से इसमें नाराज युवा मंच ने CM को पत्र लिखा है और इसमें जो है इसमें सरकार ने बोला था जो पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सीधे जिसके 50% हैं पैट के अंतर्गत वो सीधे इंटर कॉलेज में क्लर्क बनेंगे, अभी तक वो भर्ती भी नहीं आई है। फिर इसके बाद चपरासी भर्ती सरकार ने बोला था वो भी अभी तक नहीं आई है, अभी केवल शिक्षक भर्ती आई है वो भी 4,000 पदों पर। सरकार ने बोला था 27,000 पदों भर्ती निकलेगी पर लोग बार जो 22,000 पदों पर मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या रहता है जो है, अभी फिलहाल जो है पिछले साल की तरह जो है इसका विज्ञापन निरस्त होगा, दोबारा पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर अटकी प्रधानाचार्य भर्ती। आप स्वयं देख सकते हैं जो है प्रधानाचार्य भर्ती जो अटक चुकी है इस अभी जो है अशासकीय जो सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उसके अंतर्गत जो है भर्ती अटक चुकी है। PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आज से नायब तहसीलदार ये इसके इंस्पेक्टर के 50-50 पद बढ़ा दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है अनुमंत पद पर जो वर्तमान कार्यरत अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में कि कितने पद कहां पर खाली हैं, एटा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोंडा कहां पर कितने पद खाली हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती आपके हाथ से निकलना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। थैंक यू वेरी मच।